हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आज दिवाली है, कल भी दिवाली थी और ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, यूट्यूब फैमिली को और सभी लोगों को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आराम से सही से पटाखे जलाए, ओके, बढ़िया आराम से दिवाली को बनाए, किसी की सुननी सुननी, आराम से सही से, ताकि खुद को भी यहाँ पर नुकसान ना हो, इस तरीके से यहाँ पर दिवाली को सेलिब्रेट करें। बाकी सही है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, हमेशा हम हर साल में एक स्टॉक देते हैं जो कि अच्छा खासा परफॉर्म यहाँ पर करके दिखाता है, ठीक है, और आज भी हम एक ऐसे स्टॉक देंगे जो यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा सकता है। तो अब पहले देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो हमने पहले दिए थे। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, हमने 2 साल पहले, पहले लास्ट ईयर की बात करते हैं, तो देखिए, महुरा ट्रेडिंग के टाइम पे हमने एक शेयर दिया था, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस 11 महीने पहले हमने दिया था। तो मैं यहाँ पर एक विंडो ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जियोजीत 11 महीने पहले देखता हूँ, ठीक है, और अभी देखता हूँ कि यहाँ पर क्या भाव चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर शेयर प्राइस मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जियोजीत का जो अभी 52 वीक हाई बना है ना, जो वो लगभग लगभग 153.54, यहाँ पर देखिए 159 के आसपास बना है, और 11 महीने पहले जब मैंने ये शेयर दिया था लास्ट ईयर, ठीक है, उस टाइम लास्ट ईयर ये शेयर का प्राइस क्या चल रहा था, मान के चलिए 60 रुपए के आसपास चल रहा था। तो लगभग लगभग 150% से ज्यादा के रिटर्न आपके बन चुके हैं। तो जियोजीत फाइनेंशियल जो हमारे लास्ट महुरा ट्रेडिंग का स्टॉक्स था, उसने लगभग 150% के रिटर्न दिए। इससे पहले 2 साल पहले हमने यहाँ पर डी लिंक दिया था, 100% गेन के, 100% गेन डी लिंक महुरा ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो हम अगर बात करें 2 साल पहले भी कि हमने कौन सा दिया था, तो हम यहाँ पर डी लिंक को निकाल लेते हैं। तो डी लिंक निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 739 का इसने हाई लगाया था 2 साल पहले की अगर हम बात करें, ठीक है। तो 2 साल पहले यहाँ पर लगभग 2022 के आसपास, ठीक है, ये शेयर 200 रुपए पे चलता था, मुझे याद है, ठीक है, उस दिन यहाँ पर 20% की तेजी भी हुई थी महुरा ट्रेडिंग पे। तो 100 मतलब 200 रुपए पे शेयर चलता था, 200 रुपए से 600-700 रुपए की तक गया है। तो लगभग 200% के रिटर्न से ज्यादा ये रिटर्न यहाँ पर दे चुका है ये महुरा ट्रेडिंग से, यहाँ पर 2 साल के अंदर अंदर, यहाँ पर बात करें 1 साल के अंदर 150% के। तो ये रिटर्न इस तरीके से बने हैं। आज अगेन मैं आपके लिए महुरा ट्रेडिंग पर एक बहुत बेहतरीन शेयर आपके लिए लाया हूँ, लास्ट तक वीडियो में देखिएगा, सही से बने रहिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको यहाँ पर चीजों को समझ में आती हुई नजर आएगी, ठीक है। और याद रखिए, मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर बाइंग सेलिंग नहीं करना है, आपको सिंपल सीखना है और सही तरीके से यहाँ पर इस दिवाली के इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का लाभ उठाना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एज खुद की स्टडी करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, बट हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ आप चाहे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वो सीखना है तो सीखने के लिए दिवाली ऑफर चल रहा है, ठीक है। आप हमारे 15,000 रुपए का कोर्स, 25,000 का कोर्स है, 15,000 रुपए तक में ये कोर्स को बाय कर सकते हैं इस संडे तक, और उसके बाद 25,000 का हो जाएगा, और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत यहाँ पर 50,000 होने वाली है। 3 मंथ्स टू कीप होल्डिंग स्टडी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाता है, बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है सब कुछ दिया जाएगा। 8868054051, 8169261037 दोनों नंबर को सेव कर लीजिए और हमारे साथ यहाँ पर काम भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं जिस शेयर से रिलेटेड, उसका नाम है केयर रेटिंग, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। बस आंख बंद करके किसी चीज को ना तो खरीदना है ना बेचना है, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाऊंगा, कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी करती क्या, कंपनी करती क्या, उसके लिए आप इसकी वेबसाइट पर चले जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि द लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, ऑफ इंडिया। तो देखिए, कोई भी यहाँ पर आप जाओगे ना किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में, यहाँ पर नीचे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर रेटिंग अपडेट, तो रेटिंग अपडेट सब क्या करती है, रेटिंग की, ये क्रेडिट रेटिंग वाली जो कंपनीज है ना, जैसे क्रिसिल, कुछ कंपनी क्रिसिल से कराती है, कुछ कंपनी यहाँ पर केयर रेटिंग से कराती है। तो केयर रेटिंग क्या है, एक रेटिंग प्रोवाइड करती है कि कंपनी के प्रोस क्या है, कंपनी के कॉन्स क्या है, ठीक है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, मैनेजमेंट क्या है, उसके बेसिस पे वो अपनी ग्रेड देती है, ए ए प्लस, बी बी प्लस, माइनस, इस तरीके से यहाँ पर ये ABCD और प्लस माइनस यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से कंपनी की यहाँ पर रेटिंग देते हुए नजर आते हैं, क्रेडिट रिस्क एंड देयर ऑन रिस्क रिटर्न एक्सपेक्टेशन,
वो सब कुछ यहाँ पर बताते हुए नजर आते हैं। इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर पता चल जाएगा कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है ना, यहाँ पर किस किस सेक्टर को ये रेटिंग बहुत देते हैं, वो आपको आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4,370 करोड़ रुपए की कंपनी है, तो मतलब स्मॉल कैप है। जो मैं स्मॉल कैप की बात करूँ, दो चीज को याद रखिएगा। सबसे पहले आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी एक्सपर्टीज छोटे शेयरों में, स्मॉल कैप में, इसलिए हमारे स्मॉल कैप हमारे शेयर का नाम है। दूसरी बात, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो याद रखिएगा, यह चीजें भागती है तो बहुत बेहतरीन तरीके से भागती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब शेयर यहाँ पर डबल हो गया, बट जब गिरेगी तो आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि शेयर जहां पर कभी 1,600 1,700 रुपए का हुआ करता शेयर, एक साथ ही 200 300 रुपए पे आ गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सही टाइम पे लेना है और सही टाइम पे बेचना है, और यही कला हम अपने इस कोर्स में सिखाते हैं। अगर इस कोर्स को कर लिया, ठीक है ना, जो कि अभी 15,000 में मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में 2,500 50,000 का हो जाएगा, वो आपके लिए फिर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट फिर भी वर्थ इट पड़ेगा और बेनिफिशियल पड़ेगा। तो सही टाइम पर लेना है, सही टाइम पर बेचना है, इस चीज को हम यहाँ पर सिखाते भी, और ये आपको खुद भी करना है अगर पैसे कमाने हैं तो। स्टॉक पी की बात करें, 38 का पी है, इंडस्ट्री का पी 45 का है, तो अभी भी सस्ता नजर आता है, बट हमेशा कहता हूँ पी के बेस पे काम नहीं करना। पी के बेस पे काम करोगे तो याद रखिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब शेयर में आपने बेचा और शेयर बढ़ गया, आपने खरीदा और शेयर फिर गिर गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। बट की बात करें, पी जितना कम पी होगा अच्छा होता है, और ज्यादा पी को इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है ना, और ज्यादा अपने सिर पे भी नहीं चढ़ाना है। आरओसी आरओई की बात करें तो ऐसा खास नहीं है, आरओसी ही तो ठीक है, बट आरओई 15% के आसपास है, वो भी कम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेल्स की बात करें, 20% की जंप है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में 100% की जंप है, 12% से ज्यादा यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट आता है, डेट फ्री शेयर है, सबसे पॉजिटिव बात, 10 की फेस वैल्यू है, और यहाँ पर डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है। 1,500 1,600 का हाई अभी 2 3 दिन पहले ही लगाया है, और 840 का इसका 52 वीक लो हुआ करता था। चार्ट में आपको दिखा चुका हूँ, सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा आपने अच्छा शेयर लिया है या बेकार शेयर लिया है, क्योंकि स्मॉल कैप शेयर अगर सही टाइम पे ले के बेचा ना जाए, और या फिर सही टाइम पे ना लिया जाए, तो आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। कंपनी के यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नंबर्स देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कंपनी ग्रेजुअली, ठीक है ना, यहाँ पर तो 2021-22 तक तो ठीक है, बट उसके बाद लगातार धीरे धीरे करके यहाँ पर अच्छे खासे नंबर दिखा रही है। अभी भी देखोगे तो 117% करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 56 करोड़ का है, जो कि हाईएस्ट एवर है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर ही यहाँ पर मार्जिन भी नजर आते हैं, हाईएस्ट एवर तो नहीं बट अच्छे खासे मार्जिन है 47% के। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें, 27 करोड़ से 47 करोड़ हो गया है, ये एक पॉजिटिव बात है। कंपनी के यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहे हैं, और ईपीएस भी कंपनी का हाईएस्ट एवर चलता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो कंपनी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा ईयरली बेस पे बात करें, तो ईयरली बेस पे आप यहाँ पर देख पाओ कंपनी के नंबर जो लगभग लगभग फ्लैट चलते हुए नजर आते थे, अब दोबारा ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो 114 करोड़ 130 करोड़ के आसपास का हुआ करता था, वो 117 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और आगे जिस तरीके कंपनी काम कर रही है ना, और कंपनी काम करेगी उसके बेस पे अगर मैं बात करूं, तो शायद कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा आगे चल के रेवेन्यू वगैरह दिखा सकती है, ठीक है। बट मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर नहीं लेना है, मैं हमेशा कहता हूँ खुद की स्टडी करना है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स यहाँ पर देखोगे लगातार बढ़ रहे हैं, 700 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, बोरिंग ना के बराबर है, 44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें 87 करोड़ रुपीज के आसपास का कैश पड़ा हुआ है। लोन यहाँ पर एडवांसमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा मोटा ही है, ज्यादा नहीं है, पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग, एफआईज की होल्डिंग 24% के आसपास है, जो लगातार 17 से 20 20 से 21 22 23 और 25% के आस तक पहुंच गए हैं। सेम एज इट इज बात करें डीआईएस की, जो 16% से 25% के आसपास पहुंच गए हैं। पब्लिक की बात करें तो 60% से 49%, और मैं हमेशा कहता हूँ एफआईएस का बढ़ना, पब्लिक का कम होना कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल होता है। और यहाँ पर देखिए 50% के लगभग पब्लिक है, उसमें भी बड़े बड़े नाम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और जिस क्रिसिल की मैं अभी बात कर रहा था, आपको दिखा रहा था, उस क्रिसिल ने खुद यहाँ पर देखिए क्रिसिल लिमिटेड और 8.77% के शेयर लेके रखे हुए हैं, तो ये इतनी बड़ी एजेंसी खुद लेके रख रही है, तो वो आपको यहाँ पर खुद सोचना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे चीजों को, तो यहाँ पर आपको बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग बल्क डील ये चलता रहता है, वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो कंपनी का फाइनेंशियल धीरे धीरे सुधर रहे, अच्छे होते हुए नजर आ रहे, आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट दोबारा अच्छे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते और जानकारी कंपनी के चार्ट से रिलेटेड,
बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल कर नोटिफिकेशन को ऑन करें। ठीक है, बाइंग सेलिंग करनी नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, और याद रखिए सीखने के पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, तो सीखने के पर्पज से ही आपको ध्यान देना है। बाकी कोर्स कर सकते हो, साथ में काम करना है तो काम कर सकते हो इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके। यहाँ पर केयर रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो केयर रेटिंग का चार्ट मैं आपको सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये डे चार्ट है, ठीक है। डे चार्ट में मुझे यहाँ पर नजर आता है कि थोड़ा बहुत शायद ये शेयर थोड़ा सा गिर सकता है, और गिर के लगभग 1400 रुपए या फिर 330 के आसपास ये शेयर आ सकता है, ठीक है। और उस केस में एक छोटी सी रिस्क बनेगी, आपको वो रिस्क लेनी होगी, ठीक है। एक प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। स्टॉप लॉस कितना होगा? स्टॉप लॉस 325 के आसपास होगा, ठीक है। अगर आप, और एंट्री कहाँ बनेगी? फिर एंट्री बनेगी 1340 के आसपास, और 1330 के आसपास, मतलब 1400 रुपए का एक रिस्क होगा, वो आपको लेना पड़ेगा। और जैसी चीजें घूमेगी तो ऊपर जाती हुई नजर आएगी। रिस्क ऐसा लगाना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि शेयर की बात करें तो ऑलरेडी टॉप पे चल रहा है। अगर नीचे आया तो आपको केवल एसएल ही बचाएगा और कुछ नहीं। क्या अभी खरीद सकते हैं? अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, इस शेयर को थोड़ा सा निकलने दीजिए, ठीक है। लगभग 1478 के ऊपर क्लोजिंग देने दीजिए, ठीक है। और उस टाइम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, लगभग 1440 रुपए के आसपास का, ठीक है। और स्टॉप लॉस अभी जब हाई पे होता है ना, तो फॉलो करना हमेशा जरूरी होता है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मार्केट शायद ओपन हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर एक कैंडल दिखा रहा है। बाकी ये शेयर थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो वहां एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। आप थोड़ा सा चार्ट को मैं थोड़ा सा वीकली कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर आपको और क्लियर व्यू दे सकूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा शेयर ने यहाँ पर एक क्या बनाया है, यहाँ पर एक यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी। एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए शोल्डर, ये शोल्डर, ये शोल्डर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकते हो, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पर देखिए शोल्डर, ये देखिए शोल्डर, और जब यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो उसके बेसिस पे ये शेयर अच्छा खासा परफॉर्म करके ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले टारगेट हमारे 2200 रुपए के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। 2200 रुपए के आसपास के यहाँ पर टारगेट आ रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल की डेट में अगर मैं बात करूं तो कितने 50% की अपसाइड नजर आती है। बट मुझे क्या नजर आता है? मुझे नजर आता है जब इस तरीके से चीजें चलती है ना, तो रुकती नहीं है। स्टेज के ऊपर शेयर नजर आता है, ये शेयर 3 से 4 हजार रुपए शायद आने वाली दिवाली तक आपको देखने को मिल सकता है। बट एज ऑलवेज आई सेड कि मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर आपको बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। अभी तक जितने भी मोहरो ट्रेडिंग स्टॉक्स दिए, सबने 100, 150, 200% के रिटर्न दिए। बट अभी जो मैं आपको स्टॉक्स दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये भी इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, बट नहीं भी कर सकता। बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आपको करना है। इस शेयर को हमने अपने हमारे साथ जो काम करते हैं वहां पर, हमने कुछ दिन पहले ये शेयर लगभग 1300 रुपए के आसपास, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। तो ये शेयर जब यहाँ पर 1176-70 के आसपास चल रहा था, तब हम यहाँ पर दे चुके हैं, ऑलरेडी चीजें भाग चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दोबारा बनेगी, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, और शायद और अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है, और शायद लगातार यहाँ से भाग भी सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, सीखना है, नंबरों को नोट कर लीजिए, कोर्स करिए, साथ में काम करिए। तो महूर्त ट्रेडिंग के लिए ये वाला स्टॉक है। बाकी आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।